राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक दिन में संक्रमितों की संख्या 9000 तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि लगातार कोविड गाइडलाइन तोड़कर खुद के साथ में लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी भीड़ जुटा रहे हैं। राज्य में कोई चुनाव नहीं होने हैं, इसके बावजूद कई जनप्रतिनिधि शक्ति प्रदर्शन के लिए आयोजन में नियम से ज्यादा भीड़ जुटाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ रहे हैं। गाइडलाइन पालना कराने की जिम्मेदारी जिन पर है, सब कुछ उनके सामने हो रहा है, लेकिन नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत उनमें नहीं है। कोरोना के खतरे के बीच लापरवाही बरतने वाले इन नेताओं के सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, शाले मोहम्मद, अर्जुन बामनिया, सुखराम बिश्नोई, महेश जोशी, हेमराम चौधरी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी के कई नेता शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे नहीं है। लगातार बढ़ते संक्रमण के बावजूद नेताजी न तो चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना पॉजिटिव है। उनकी पत्नी सुनीता गहलोत, बेटा वैभव गहलोत भी संक्रमित है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत भी खराब बताई जा रही है, जो दो दिन पहले ही दौरे पर थे। कोरोना से राजसंबंध से भाजपा के विधायक किरण माहेश्वरी, विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत, गौतम लाल मीणा, विधायक कैलाश त्रिवेदी, पूर्व सांसद महावीर बगोरा, पूर्व मंत्री मणिका चंद्र सुराणा, हरीश सिंह, ललित भाटी की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।